नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन। वीडियो है दोस्तों, वो अभी जो है चैलेंज के बाद जो वीजा आया है हमारा, यूके का वीजा है और विद फैमिली है, पूरा हस्बैंड वाइफ और साथ में दो बच्चे। हिमाचल से हैं, प्रॉपर जगह का नाम नहीं ले रहे हैं, फेस भी हाइड रखेंगे क्योंकि एक सबसे बड़ा तो ये होता है कि यूट्यूब फिर उसको डिलीट मार देता है, तो हम लोग इसलिए फेस हाइड करके मोस्टली वीडियोज बना रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सर। और 2006 से लगे हुए हैं? हाँ जी, 2006 से लगे हुए हैं और मेरे पास टोटल जो डिफरेंट कंट्रीज हैं ना, मैं वीजा रिफ्यूजल्स मेरे पास 10 रिफ्यूजल्स हैं, 10 के 11 हो गए होंगे। तो ये मेरा वीजा है सर यूके का, एंड ये मेरा पहली बार मुझे किसी बड़ी कंट्री का है ना वीजा मिला है। सर ने वीजा निकलवा के दिया है जी। बहुत बहुत थैंक यू। ये रिफ्यूजल्स जो थी सर, बहुत मतलब हम लोगों के पास ये था कि भाई ये करे तो करे क्या, क्योंकि 10-11 रिफ्यूजल्स होने के बाद और वो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज की, तो उसके बाद अगर हम ये दिखाएं कि भाई इसको वीजा लेना है या नहीं, तो पहले तो मैंने इनको बोला था कि आप फैमिली यहीं छोड़ दीजिए, हस्बैंड वाइफ दोनों कीजिए, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं जी, हमें तो पूरी फैमिली का ही करना है। तो ये एक चैलेंज हमारे लिए भी था कि इसको अप्लाई करें और विद फैमिली करें तो क्या करें, क्योंकि प्रोफाइल जो है वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी जी, एक नॉर्मल प्रोफाइल है जी। सर क्या कर रहे हैं हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वही पर्पस है कि भाई छिपाना पड़ता है, लेकिन मोटा मोटा सा बता सकते हैं आप कि क्या आपका प्रोफाइल में रहा है। सर बस मेरा खुद का छोटा सा बिजनेस था जी, और एक करंट अकाउंट था, एक सेविंग अकाउंट, कुछ बिजनेस के प्रूफ थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं सर। बिजनेस भी कोई ज्यादा प्रूफ नहीं है, हाँ। बहुत छोटे से, और एक छोटे स्केल का बिजनेस है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटे स्केल का, एक छोटे स्केल का बिजनेस था। और टीम के बारे में क्या कहेंगे सर आप? बस सर बहुत अच्छा लगा जो इनका आपकी टीम का काम करने का तरीका है वो अच्छा है सर। प्रॉपरली जब उन्होंने मेरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो मुझे फ़ोन पे एक एक चीज़ बताई गई थी, सर ये आपका फिल किया है ऐसे 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 है, एंड कोई भी चीज़ मुझसे मतलब डॉक्यूमेंटेशन में या फिर जो भी एम्बेसी को डाटा गया है वो कुछ भी छुपाया नहीं गया, जो कि आजकल होता है सर सारी जगह वो कभी भी ना तो आपको बताएंगे कि हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं जी। हम लोग ये चीज़ नहीं करते, हमारे साफ सा एक रूल है कि भाई आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी प्रोफाइल ज़्यादा पता है, छिपाना वहाँ होता है जहाँ बाद में पैसे खाने हैं जी। अभी हाँ सर, सॉरी मैं इंटरप्ट करूँ, वही सर वहाँ आजकल एक बड़ा ट्रेंड है कि आप ऐसा करो वीजा से पहले इतने पैसे दे दो, आफ्टर वीजा इतने पैसे। मुझे आज तक आफ्टर वीजा का समझ नहीं आया, जो लोग करते हैं वो पता नहीं वीजा आ गया तो आफ्टर वीजा किस चीज़ के पैसे मांगते हैं, वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ना ऐसे ऐसे आफ्टर वीजा के पैसे होते हैं, वो पता नहीं क्यों लेते हैं, उन्हीं को पता होगा। वो उसका रीजन भी बता देता हूँ, वो नॉर्मली उन प्रोफाइल से लेते हैं जिनको ये लगता है कि ये वापिस नहीं आएंगे। हाँ, जिनको वहां जाके रहना है उसको बोल देंगे जी ये तो वहीं रहेगा, तुम्हें क्या बेनिफिट है जी, तो वो 1-1.5 लाख वहां ले लेते हैं, लेकिन है वो चीज गलत बिल्कुल। बाकी और सेविंग में कितने पैसे थे आपके? सेविंग में लगभग से मेरे पास 15-18 लाख के, 15-18 लाख के बीच में कुछ एफडीज थी, 5 लाख, 18 लाख, तो टोटल 18 लाख, तो टोटल एफडीज वगैरह सब मिला के 18 लाख। और इन्होंने खुद ही बोला था कि मुझे फैमिली का ही करना है, नहीं तो हम लोग तो ये था कि भाई हस्बैंड वाइफ कर लो या एक छोटी बच्ची है उसका कर लो साथ में ज्यादा से ज्यादा, तो लेकिन इन्होंने बोला चारों का, तो फिर वो रिफ्यूज हो गया। अपील जिसको बोल देते हैं, अपील में जाने के बाद 90 दिन लगे हैं, 101 दिन, तो पूरा 101 दिन पूरा करने के बाद इनको इनका पासपोर्ट का रिक्वेस्ट आया कि आप सबमिशन कराएं, और अब वो वीजा लग के इनके आप पास आ चुका था, वो लेके नहीं आया, आज तो मिठाई का डब्बा देने आए थे तो वो लेकर के नहीं आए हैं, बाकी हम स्टिकर जो है वो साइड में पेस्ट कर देंगे और फेस उसमें भी हाइड रहेगा। फिर भी एक क्या कहेंगे सर, जो आप हिमाचल से इतनी दूर से आए हैं सर, बीच में एजेंट्स तो बहुत मिलते हैं। हाँ सर, मैंने पहले अप्लाई 2006 में किया था और 2022 आके बहुत सारे एजेंट्स मिले हैं ना, और बहुत सारे पैसे भी खराब करे, किसी को कितने, पर वीजा नहीं कभी लगा, सारे आए और एक बार जरूर विजिट करें ना, और जगह भी पैसे खराब करते हुए एक बार आके जेन्युइन जगह पे आके विजिट करो और अपना पूछ लो, करना नहीं करना एक अलग बात है, आप ऑनलाइन भी सर्विस ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आना हो जी, क्योंकि इनकी फाइल जो रेडी हुई थी वो सारी ऑनलाइन ही हुई जी,
ऑनलाइन इनको भेज दी, ऑनलाइन इन्होंने फिर वहां जाके जमा करा दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं भाई, ये जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस में आओगे तभी काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना कहीं भी बैठे हो वहीं बैठ के आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये नहीं है कि आपको ऑफिस ही आना पड़ता है। बाकी आपने ट्रस्ट किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू सर, आपकी चढ़ती कला में रहे, यही रहेंगे जी। थैंक यू जी, ओके।